हेलो एवरीवन, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि हमारे डेट शीट कब रिलीज़ होगी SOL की फाइनली। सो फाइनली SOL की थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर की जो डेट शीट है वो रिलीज़ हो गई। आपको किस तरीके से चेक करना है वो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। सभी कोर्सेज के लिए जो है SOL की सभी कोर्सेज के लिए डेट शीट वो रिलीज़ कर दी है ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए आपको exam.du.ac.in गूगल पर टाइप करना होगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए वीडियो को देख के कि किस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है। यहां पर आने के बाद आपको कुछ सिंपल सा इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे आप आएंगे, सो यहां पर आपको लिखेगा CBCS, ठीक है, एडमिशन 2019 एंड 20 SOL, ओनली SOL, ठीक है। तो अब यहां से थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले BA ऑनर्स इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस का यहाँ है, जो जिसके पास BA इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है उसको उसको यहां पर क्लिक करना है और डेट शीट खुल जाएगी। बीकॉम ऑनर्स के लिए ये है, बीकॉम प्रोग्राम के लिए ये है, मतलब फिफ्थ एंड थर्ड सेमेस्टर, और ये जो फर्स्ट सेमेस्टर दे रखा है ये इम्प्रूवमेंट और ईआर के लिए है, और बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स का ये है। तो सबसे पहले बीए प्रोग्राम का हम खोल के देखते हैं, क्योंकि मेरे इस चैनल पर और जो स्टूडेंट जुड़े हैं वह सबसे ज्यादा बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, ठीक है। सो ये आ गया है आपका, आ गया है आपका SOL का डेट शीट, ठीक है, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर का। तो एग्जाम बहुत नियर है, अगर आपने पढ़ाई वगैरह स्टार्ट नहीं किया है तो कर दीजिए, ठीक है। सो ये देखिए, डेट शीट फॉर बीए प्रोग्राम CBCS सेमेस्टर एग्जामिनेशन November-December 2021, थर्ड सेमेस्टर पार्ट टू, ठीक है। पार्ट थ्री में फिफ्थ सेमेस्टर है, ठीक है, यानी कि थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 एंड पार्ट टू थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। स्टूडेंट्स एक्स स्टूडेंट्स, यानी कि वही जो स्टूडेंट्स के बैक आई है और जिनके पेपर अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं, उन्होंने क्लियर नहीं हो पाया, उनके वो एक्स स्टूडेंट होते हैं, वो इम्प्रूवमेंट का फिर दोबारा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, सेक में सबसे पहला पेपर आ रहा है आपका, ठीक है, योर लॉ योर राइट्स का है, पॉलिटिकल साइंस एजुकेशन सब्जेक्ट है, ये है आपका पेपर कोड, ठीक है, और ये है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का है योर लाइट योर लॉ एंड योर राइट्स, इसका पेपर है 30 नवंबर को, ठीक है, ट्यूसडे 30 नवंबर को है जो है SOL का योर लॉ योर राइट्स का पेपर है। सो बहुत बहुत जो है स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, अच्छे से इसको चेक कर लीजिएगा। जैसे किसी ज्यादा स्टूडेंट्स के पास जो है बीए प्रोग्राम के अंदर हिंदी रहता है, तो अनुवाद व्यवहार और सिद्धांत ये हिंदी आप पढ़ रहे हैं, तो इसका जो है वो Thursday December 2 को है, यहाँ पर डेट दे रखी है, ठीक है। अगर हम बात करें जीई की, बात कर ली सेक की, बात कर ली, ठीक है, यहाँ से आप जीई में जो सब्जेक्ट चूज किए होंगे उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस में जो है कई स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग गांधी रखते हैं, अंडरस्टैंडिंग गांधी को चूज कर रखा है, तो अंडरस्टैंडिंग गांधी इसका भी पेपर जो है थर्सडे को ही है। फिर अगर बात करें डिसिप्लिन कोर्स की, जो मेन कोर्स है आपका, तो कई स्टूडेंट्स का एजुकेशन होता है, हिस्ट्री होता है एंड पॉलिटिकल साइंस होता है। पॉलिटिकल साइंस में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, एंड हिस्ट्री में है आपका ये रहा इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट है इसमें आपका, ठीक है। अब अगर हम बात करें थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, है थर्ड सेमेस्टर का, तो ECG का जो भी आपका होगा वो आप यहां से देख सकते हैं। अब हम बात करें थर्ड सेमेस्टर की, तो थर्ड सेमेस्टर ये आ गया, इसके सेक का जो है थर्ड सेमेस्टर का कई स्टूडेंट्स का हिस्ट्री रहता है, तो कई स्टूडेंट का संस्कृत, तो एजुकेशन इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया, तो इसका भी पेपर, यानी इसका पूरा सब्जेक्ट का इकोनॉमिक्स एजुकेशन इंग्लिश हिस्ट्री 1 और संस्कृत सबका जो है वो पेपर है Thursday December 16 को, ठीक है, 16 दिसंबर को है सेक थर्ड सेमेस्टर का पेपर। लैंग्वेजेस कोर्स में अगर हम बात करें, तो जिसका ए है इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, उसका भी पेपर थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का 18 दिसंबर को है, यह है 16 और यह है 18, दो दिन का गैप मिल गया आपको लैंग्वेजेस में, तो ये बेनिफिट है आपका। थोड़ा सा ज्यादा कम वैसे ज्यादा गैप देना चाहिए ऐसे वाले स्टूडेंट्स के, बट कम गैप दे रखा है, बट कोई बात नहीं, आप सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम देना अच्छे से और अच्छे नंबर लेकर आने हैं इस बार थर्ड सेमेस्टर में, और जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स उनको भी, ठीक है। तो यहां पर है आपका लैंग्वेजेस कोर्स, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। MIL में पॉलिटिकल साइंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी लैंग्वेजेस कोर्स हो गया आपका। डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, और डिसिप्लिन में जैसे मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री डिसिप्लिन, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200-1700, ठीक है, और पेपर कोड मैच कर लीजिएगा यहां से। पॉलिटिकल साइंस का कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है,
तुलनात्मक अध्ययन राजनीति। तो इसका पेपर कोड ये है, इसका भी जो पेपर है वो थर्सडे दिसंबर 21 को है। तो बहुत कम गैप मिला है भाई, तैयारी नहीं किया है तो करना स्टार्ट कर दो तैयारी, ठीक है। कई स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक्स होता है तो इकोनॉमिक्स वाले भी देख सकते हैं यहाँ पर। एंड डिसिप्लिन सेकंड के अंदर जो है वो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1700, ये है आपका दिसंबर 24, यानी कि लास्ट दिसंबर तक जो है आपके सभी स्टूडेंट्स के वो एग्जाम्स चलेंगे एसओएल के। सो एग्जाम जो होगा एसओएल का वो ऑनलाइन ही चलेगा, ओबी मोड में ही आई थिंक कंडक्ट होगा, ठीक है। बट ऑफलाइन अभी तक नोटिस वगैरह तो नहीं आया, बट ऑनलाइन मोड में ही ज्यादा चांसेस हैं। तो अपनी तैयारी अच्छी कीजिए, और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए एंड इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और कोई क्वेरीज है सिलेबस से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का आईडी भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।